पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू से गुपचुप माफी मांगी है। यह वही अधिकारी हैं जिन पर इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की नई सरकार को डोनाल्ड लू से माफी मांगने के सभी सबूत मिल गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने अमेरिकी सरकार के साथ बैठक की है जहां उन्होंने यह माफी मांगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि एक तरफ इमरान खान जनता के सामने अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे हैं और अब वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही है। आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने अमेरिका को संदेश भेजा है कि वह चीजों को दुरुस्त करना चाहते हैं और सुपर पावर के साथ अपने अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इमरान खान ने अपने खिलाफ अविश्वास मत आने के बाद से ही डोनाल्ड लू पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका के आदेशों का पालन कर रही है। इमरान खान ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में यह भी मांग कर डाली थी कि डोनाल्ड लू को खराब बर्ताव के लिए अमेरिका को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी रूस यात्रा के कारण अमेरिका पाकिस्तान में सत्ता बदलाव करना चाहता था। इस बीच इमरान खान के सूचना मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ को आदतन झूठा करार दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा तो इमरान खान और न ही PTI ने किसी को मिलने और लू तथा अमेरिका से माफी मांगने के लिए कहा है। हम नहीं जानते हैं कि कोई अपने निजी कारणों से अमेरिकी अधिकारियों से मिला है या नहीं। चौधरी ने कहा कि अगर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के पास कोई सबूत है उन्हें वह पेश करना चाहिए। PTI नेता ने ख्वाजा आसिफ को मानसिक रूप से बीमार करार दिया है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेक अप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।